हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। तो भाई सबसे पहले आपको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। भाई छोटी दिवाली आज, श्री हैप्पी दिवाली कर दो। हैप्पी दिवाली भाई। ये भतीजी है। तो आज हम जा रहे हैं रवि भाई के साथ ऑफिस में भाई, दिवाली सेलिब्रेट करने। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तो भाई आज जयगुआर के शोरूम में जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। भाई सबसे पहले आप लोगों को काफी ज्यादा बधाई हो भाई। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है भाई, हर किसी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहता है, हर कोई इंजॉय करता है इस पे। भाई खुद भी इंजॉय करो और साथ में दूसरों के साथ भी इंजॉय करो, काफी बढ़िया रहता है। तो इसीलिए जाते रहते हैं। मैं पिछली बार भी गया था, आपने व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो आज वाला देख लेना, काफी मजा आने वाला है। तो श्री कैसा लगता है दिवाली पे? अच्छा लगता है बहुत। रात को क्रैकर्स फोड़ोगे? हाँ। है ना भाई, आज भी फोड़ेंगे, छोटी दिवाली और कल तो बड़ी दिवाली, कल तो फोड़ेंगे। पर लेकिन भाई अब इतना क्रेज नहीं रहता जैसे पहले रहता था ना, कि बहुत ज्यादा चार पांच दिन पहले ही चालू हो जाते थे। अब तो ये रहता है एक दो बम फोड़ लिए बस, बहुत है थोड़े बहुत भाई। बाकी हम पटेल नगर रहते हैं और मोती नगर में शोरूम है जयगुआर एएमपी, तो वहाँ जा रहे हैं। फिलहाल पहुंचने वाले अभी मोती नगर वाले रोड पे है, तो चलो पहुंच के ही मिलते हैं। ये आ चुके भाई फाइनली लैंड रोवर जयगुआर एएमपी मोटर्स। यहाँ पे भाई गाड़ी खड़ी कर दिया, देख रहे हो भाई एलॉय जैसे इसके अंदर व्हील कैप जलवाए थे, काफी बढ़िया। अभी भाई अंदर जितनी भी गाड़ियाँ मिलेगी ना सबका रिव्यू करने वाले आज हम बढ़िया तरीके से। बाकी अभी अंदर चलते, देखो सजावट वगैरह भी है, काफ़ी बढ़िया सीन रहने वाला है जयगुआर। और बाकी तो नॉर्मल ही खड़ी आज, पिछली बार आया था ना भाई तब बहुत ज़्यादा खड़ी थी यहाँ पर, लेकिन अभी तो खाली खाली है। भाई फाइनली आ चुके हैं जयगुआर के शोरूम में बैठे हैं। भाई सजावट देखो यार कितना बढ़िया सजा रखा है ना। बाकी यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी बिस्किट वगैरह आ चुके हैं। भाई श्री तो पीनी थी, क्यों नहीं पी रहे आप? मन नहीं है भाई, इसका मन नहीं है, खाली बिस्किट खा लेगी। बाकी अभी यहाँ बैठे भाई, चाय वगैरह पीते हैं अपना बढ़िया तरीके से, फिर जाके आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे भाई। और भाई मेरा तो यही रहता है, हमेशा छोटी दिवाली पे आ जाता हूँ, बड़ी दिवाली घर पे सेलिब्रेट करते हैं, है ना श्री? भाई ये बोल नहीं रही अभी आपके सामने ना, नहीं तो बहुत बोलती, वीडियो में कम बोल रही है, नहीं तो बोलती नहीं। देखो हंस रही पीछे से, बोलते क्यों नहीं हो श्री आप? हैं कैमरे पे क्यों नहीं बोलते ऐसे ही? भाई कैमरे पे नहीं बोलती, वैसे बहुत बोलती है पीछे से। तो भाई अभी मैं आगे बैठ गया रेंज रोवर इवोक के अंदर, और पता श्री क्या कहती है? श्री क्या कह रहे हो आप, कितनी बढ़िया गाड़ी है भाई। जैसे हम तो बैठते रहते हैं नॉर्मल जयगुआर वगैरह में, ये जैसे श्री फर्स्ट टाइम बैठी है ना आज ऐसी लग्जरी कार में, है ना, तो ये फर्स्ट टाइम बैठी है। तो भाई कह रही चाचू ये कैसी कार है, इसके अंदर ये बटन वगैरह कैसे दे रखे इतने सारे? मैं कहा ये लग्जरी कार है भाई, ऐसी वैसी थोड़ी है, रेंज रोवर 70-80 लाख रुपये ऐसी थोड़ी लेती है, है ना, कितनी लग्जरी बना रखी है भाई। भाई बैठ के ऐसी फील आती है गाड़ी के अंदर कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। ये देखो भाई इस टाइप का इंटीरियर नज़र आता है पूरा का पूरा प्रीमियम क्लास के अंदर। ये देखो गियर लीवर वगैरह, भाई साहब क्या प्रीमियम फील होते हैं गाड़ी के अंदर, आगे पीछे जैसे मर्जी कर लो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली भाई। यहाँ पर ही अपने एसी इवेंट्स वगैरह दे रखे हैं, काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम सी लगती है भाई। अलग से आपको डिटेल रिव्यू मिलने वाला है सारी गाड़ियों को, जितनी भी खड़ी है ना यहाँ पे, अपनी एफपी सागे रेंज रोवर की, इलेक्ट्रिक वगैरह, डिफेंडर विफेंडर सब का मिलने वाला। 5 गाड़ियाँ खड़ी अभी अंदर, बाकी बाहर खड़ी है, इनका ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई गाड़ी लग्जरी है यार, आपको भी पता होता, सबको पता है भाई, जब इतने पैसे ले रहे हैं तो मज़ा आता है ना श्री बैठ के। बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं भाई, अभी रंगोली वगैरह बनेगी, ये देख रहे हो सेलिब्रेशन चलेगी अभी, तब देखना भाई तब मज़ा आएगा आपको। भाई अभी आया हूँ मैं जयगुआर के अंदर, भाई डिफरेंस बताऊँ आपको यार, रेंज रोवर के अंदर बैठे ना थोड़ी सी मतलब इतनी प्रीमियम वाली फील नहीं आई, जब जयगुआर के अंदर बैठे ना भाई उससे कहीं ज़्यादा प्रीमियमनेस आ रही है इसके अंदर। कलर वगैरह देखते हो आप, सीट का कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। एम्बियंस लाइट भी मिल जाती है इसके अंदर ना, यहाँ पर अभी जल रही है, बंद हो रही है, अभी जब प्रॉपर रिव्यू दूंगा ना उसमें देखना भाई। और बाकी हमारी श्री माता तो कह रही है मैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठूंगी, है ना, साइड में नहीं बैठना ना पीछे बैठना, भाई मेरे को पीछे बिठा दे, कह रही चाचू आप पीछे बैठो, मैं तो आगे ही बैठूंगी। बाकी भाई इसके अंदर अपने को मूनरूफ मिल जाती है, खुलती नहीं है बस इसका ना, ये जो होता है ना आगे जाता है बंद होने वाला ब्लाइंड स्पॉट, बाकी खुलती नहीं है, कवर हो जाता है इससे ग्लास जो है ना, भाई काफ़ी बढ़िया लगते हैं पीछे बैठ के। तो यार भाई किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, चाहे रेंज रोवर हो, चाहे अपनी जैगुआर हो, चाहे कोई सी हो, भाई ये जो डिफेंडर है ना इस गाड़ी का मज़ा ही अलग है भाई। ऊपर उतना बैठते भाई पूरा बोनट नज़र आ रहा गाड़ी के अंदर। भाई इंटीरियर देखो, इंटीरियर में मतलब थोड़ी रफ टफ सी महसूस होती है गाड़ी, ये जो इसका गियर लीवर वगैरह, पर भाई जो इसके अंदर बैठने की सीटिंग पोजीशन है ना भाई, क्या तगड़ी पोजीशन दे रखी है भाई डिफेंडर के अंदर यार, पूरा का पूरा बोनट वगैरह दिखता है। आर्मरेस्ट देखो भाई कितना बड़ा दे रखा है इसके अंदर यार, क्या गाड़ी लग रही है यार डिफेंडर, मतलब ऐसा लग रहा है किसी हाथी के बच्चे में बैठ गए हो, बहुत तगड़ा लग रहा है ये बैठ के। श्री
चढ़े थे तो कैसा लगा? बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, लेकिन यहाँ पे वो दिया हुआ है ना फुटरेस्ट, हाँ। है ना भाई, उस पे पैर रख के चढ़ गई। हाँ। नहीं तो कह रही चाचू चढ़ूंगी कैसे, बाकी इसके अंदर ना वो वाला दे रखा है ऑटोमेटिक वाला, जैसे डोर खोलते है ना तो अपने आप बाहर आ जाता है और डोर बंद करेंगे तो ऊपर आ जाता है भाई, कहने मतलब ये रहता है डिफेंडर के अंदर। पर भाई गाड़ी बड़ी गजब की है, पीछे देखो कितनी बड़ी है, ये देखो भाई पीछे की साइड से, इसको पता है पीछे थर्ड रो नहीं है ना इसके अंदर, सेकंड रो तक है। तो ये कह रही भाई देखो कितनी बड़ी है चाचू, पीछे से कितनी बड़ी है ना भाई, काफी बढ़िया है। ये देखो भाई ये क्या चीज दे रखी है इसके अंदर, बढ़िया सी देखने में यार, डिफेंडर यार नाम ही काफी है भाई, नाम सुना था भाई इसके, अभी तक फर्स्ट टाइम बैठा हूँ मैं, फर्स्ट इंप्रेशन है, बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। ये देखो भाई डिफेंडर कितनी ऊंची लगती है भाई गाड़ी देखने में, बाकी भाई सारे अपने यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे, वीडियो बना रहे, बाकी भाई गाड़ी तगड़ी है देखने में, देख रहे हो कितनी तगड़ी सी लग रही है भाई डिफेंडर प्रॉपरली। अभी इसका रिव्यू मिलेगा आपको अलग से, काफी बढ़िया रिव्यू आने वाला, अभी मजा आएगा देखने में यार। अभी बाहर यहाँ पर भी खड़ी है, टेस्ट ड्राइव वाली भी है, बाकी अंदर अभी सारी खड़ी यहाँ पर अपने काम वगैरह चलने लग रहा है। तो भाई अभी यहाँ पर दिवाली पूजन वगैरह हो चुका है सारे में, सबने पूजा वगैरह करके प्रसाद ले लिया भाई, आरती वगैरह भी ले लिया। अभी जरा भाई हम थोड़ा सा एक बार आपको जरा दोस्त से मिलवाते हैं, जो अपना यहाँ पर एक दोस्त है, क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, भाई अकेले अकेले अमरूद खा लिया? नहीं भाई आप भी खा लो। हमने खा लिया भाई, भाई प्रसाद मिला था तो भाई प्रसाद खाने लग रहे हैं। और सुनाओ भाई बढ़िया सब? बढ़िया भाई, उस दिन पैसिफिक में भी मिले थे भाई से, आपने देखी होगी वीडियो, वही वाला भाई अपने रामा भाई। तो भाई आज क्या सेलिब्रेशन वगैरह चलती रहती है छोटी दिवाली पे? डांस वांस होगा अभी। अभी भाई गिफ्ट मिलेंगे? अच्छा गिफ्ट भी मिलेंगे भाई, सारे डांस करके दिखाएगा क्या? हाँ भाई सारे डांस करेंगे। अरे वाह भाई, अभी देख सकते हो। अच्छा ग्रुप डांस होगा, मजा आ रहा है भाई यहाँ पे काफी ज्यादा। भाई तो खैर डेली रहता है यहीं पे ही, भाई के लिए तो नॉर्मल है, है ना भाई। अभी हम चलते हैं जरा एक दो चीज़ और एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई अभी यहाँ पर अपने समोसे रसगुल्ले वगैरह चल रहे हैं नॉर्मल, जैसे रिफ्रेशमेंट होती है लंच टाइम पे, वहाँ पर रंगोली बन रही है भाई। मैं तो यार घूमता रहूँ टाइम पास के लिए, कुछ है ही नहीं करने को यार, गाड़ियों की वीडियो बना रही टाइम पास हो रहा बस। तो भाई ये देखो यहाँ पर रंगोली वगैरह भी बना रखी है प्रॉपरली, काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेशन होगा यहाँ पर, हैप्पी दिवाली का लिखा हुआ है भाई, फूल वूल लगा रखे हैं, बैलून वगैरह लगा के, काफ़ी बढ़िया हो गया। अभी आपको मैं दिखाना भूल गया भाई व्लॉग में, मैं भूल गया दिखाना है कि व्लॉग भी बनाना है, आई पूजा वगैरह हुई, ग्रुप सेल्फी हुई, इन सब की जो भी ऑफिस के मेंबर होते हैं, ये सारा सीन था। मैं भाई यहाँ पर अपने व्लॉग बनाने में व्यस्त था, जो कि इन गाड़ियों के आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 बज रहे भाई, अभी निकलते हैं यहाँ से घर की साइड, और घर जाके फिर देखते हैं क्या करना है, अभी घर जाके और भी 2-4 काम है वो करेंगे। तो भाई मैंने आपको गाड़ियाँ तो दिखाई नहीं भाई कौन कौन सी है यहाँ पर, देखो भाई रेंज रोवर वॉक खड़ी है भाई, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है देखने में। यहाँ पर अपनी नेक्स्ट आ जाती है जैगुआर एफ पेस आर डायनेमिक, ये भी काफ़ी बढ़िया लगती है भाई, ये 90 लाख रुपए की है। और ये जो अपनी रेंज रोवर इवोक है ये भाई अपनी 85 लाख रुपए के आसपास है भाई। कहने का मतलब जो इनमें सबसे बढ़िया गाड़ी है ना वो यही वाली है वॉग, 2 करोड़ 80 लाख की है भाई, पर लेकिन लुक इसकी 1 नंबर की आ रही है भाई देखने में। बाकी तो भाई मैंने आपको दिखाई दी है एफ पेस डिफेंडर वगैरह खड़ी है नॉर्मल, यार ये इनकी 4-5 गाड़ी आती है जो कि लग्जरी के अंदर आती है प्रॉपरली, ये सारा सीन रहता है भाई यहाँ पे जैगुआर के शोरूम में। भाई अभी आ चुका हूँ मैं बाहर की साइड, यहाँ पर पता है क्या था, पहले जो ऊपर वाला एरिया था ना ये भी भाई अपना लैंड रोवर वालों का था, पर लेकिन अब ये ले लिया है भाई जीप वालों ने, लैंडमार्क जीप देख रहे हो आप, अभी ऊपर वाला हिस्सा जीप वालों का हो गया। बाकी यहाँ पर MG का भी है, साथ में होंडा का भी खुला हुआ है भाई अपना सामने की साइड, ये सारे के सारे बैंकेट वगैरह है मेन मोती नगर रोड पे जो शोरूम है MP का, आप सब तो जानते होंगे जो भाई दिल्ली से होंगे अपने सारे के सारे, यहाँ पर सारे वीडियो वगैरह शूट कर लिए भाई। पर लेकिन यार अभी इतना मज़ा नहीं आता, मतलब जैसे पहले रहता था ना क्रेज़ के, हाँ भाई गाड़ियों में बैठेंगे लग्जरी में, स्टार्टिंग में बच्चे थे जब हम, तब इतना मज़ा आता था कि हाँ भाई सोच के कि जैगुआर नाम जहाँ पर आ गया ना कि तगड़ी गाड़ी होगी। अब तो यार नॉर्मल सी फील आते सब में बैठ बैठ के, चाहे 1 करोड़ की हो चाहे 2 करोड़ की हो, है ना। बाकी यहाँ पर भाई ये सारा सिस्टम है, जीप वालों ने भी सजा रखा, पर लेकिन इन्होंने टेंट वेंट लगा रखे, देख रहे हो भाई ऊपर तो जा नहीं रहा मैं, बाकी इन्होंने नीचे की साइड ये बैलून वगैरह लगा रखे, नहीं ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर भाई एक्सीडेंटल वगैरह गाड़ियाँ भी आ जाती है, ये सारा सिस्टम रहता है इसके अंदर। तो भाई पीछे की साइड अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना ये बैंकेट वगैरह, तो मेन लुक इसी की वजह से है इसकी। अभी इसके मिरर पे देखोगे ना अंदर से जाके भाई, यहाँ सारा सिस्टम दिखने वाला आपको। तो चलो भाई अभी चलते हैं घर। भाई घर पे आ चुका हूँ, अब घर पे आते के साथ मम्मी कह रही है जब पहले लड़ी लगा क्या, उसके बाद कोई काम करियो, अब मेरे को छत पे आना पड़ा है लड़ी लगाने के लिए, अब घर के आगे लड़ी लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि दिवाली है सभी सजाते हैं, हम भी सजा लेंगे, पटाखे वटाखे बंदे अभी छोड़ रहे हैं भाई दोपहर में ही, दोपहर ही तो नहीं मतलब 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे ही लोग पटाखे वटाखे लेके खूब फोड़ने लग रहे हैं, मैं भी लगा देता हूँ अभी लड़ी जाके। लड़ी यार मतलब ऐसी है कि थोड़ी बहुत लगा के अपना काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी है ना 3-4 लाइनें लग जाएगी एक में, तो भर दूंगा मतलब छज्जे, जब लग जाएगी ना तब दिखाऊंगा आपको। बाकी भाई यही थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।